नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बिहार चुनाव से पहले राजग में भी दरार, पासवान से मांझी नाराज। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजग में सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि यदि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग कर दें तो वह उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी लोजपा से अधिक सीटें पाने की हकदार है, क्योंकि वर्तमान में विधानसभा में हमारे 13 विधायक हैं जबकि लोजपा का एक भी नहीं है। यह पूछे जाने पर कि सीटों के बंटवारे में यदि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सीटें नहीं मिली तो उनका अगला कदम क्या होगा, मांझी ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि राजग को उनका बिना शर्त समर्थन जारी रहेगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को हटाया। शीना बोरा हत्याकांड की जांच कर रहे मुंबई के पुलिस आयुक्त राकेश मारिया को उनके पद से हटाकर होमगार्ड का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। अहमद जावेद को मारिया के स्थान पर मुंबई का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। मारिया के पद में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब बहुचर्चित चीना बोरा हत्याकांड की जांच उनकी देखरेख में की जा रही थी। चेन्नई हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टला। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कर्मचारियों और दमकल कर्मियों की सूझबूझ से मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। हवाई अड्डा सूत्रों के अनुसार आगमन क्षेत्र के बाहर एक शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके साथ ही विस्फोट की आवाज सुनी गई। चिंगारी के साथ ही आग आसपास फैल गई। खबर लगते ही विद्युत इंजीनियर ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर अग्निशमन यंत्र के माध्यम से आग की लपटों को कुछ हद तक बुझाया। बाद में दमकल विभाग की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर 20 मिनट की मशक्कत के बाद पूरी तरह आग पर काबू पा लिया। मोदी सरकार वादे पूरे करने में नाकाम, कहा सोनिया गांधी ने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र में बैठी सरकार अपने वादे पूरे करने में बुरी तरह नाकाम रही है। पार्टी कार्य समिति की मंगलवार को यहां आयोजित बैठक में सोनिया ने कहा कि भाजपा सरकार न सिर्फ देश के इतिहास को झुठलाने का प्रयास कर रही है बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को भी नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।